माँ दुर्गा के आठवें रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महागौरी माँ जगजननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ दुर्गा के आठवें रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महागौरी माँ जगजननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, क्या तुम्हें पता है कि महागौरी माँ कौन है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। महागौरी माँ दुर्गा माँ के आठवें रूप को कहा जाता है। महागौरी माँ के बारे में कहा जाता है कि उनका वर्ण अति गोरा होने के कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। एक बार की बात है, भगवान शिव ने कोई बात माता पार्वती को कह डाला, जिससे वह वहां से उठकर चली गई और तपस्या करने लगी। बहुत दिन बीत गए, तब भगवान शिव ने जाकर देखा कि वो तो तपस्या में लीन हो गई हैं और उनका रंग भी काला हो गया है। तभी भगवान शिव ने उन पर गंगा जल डाला, जिससे उनका रंग अति गोरा और विद्युत के समान अति चमत्कारी हो गया। उनका वर्ण गोरा होने के कारण ही उन्हें महागौरी कहा गया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। तप में लीन हो माँ पार्वती, रंग हुआ था काला। अति प्रसन्न हो शिव ने उन पर गंगा जल को डाला। आठ में रूप का वेद में वर्णन हर समय यह आती। तब माँ का रंग विद्युत सचमका, महागौरी कहलाती। अति मन भावन तेज है रूप में हजार सूर सरंग। उस माँ का क्या वर्णन करना, शिव जिनके हैं संग। हम ममतामयी माँ की चरणों में शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महागौरी माँ जगजननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महागौरी नारी शक्ति, ऐश्वर्य और संदर्व की प्रतीक हैं। उनका निवास स्थान कैलाश है। उनका वर्ण पूर्णतः गोरा है। उनकी गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कंद के फूल से भी दी जाती है। जो अति सुंदर और आकर्षक होते हैं, माँ महागौरी की चार भुजाएं हैं। उनका वाहन ऋषभ है। माँ महागौरी की हाथों में डमरू, वर मुद्रा, अभय मुद्रा और त्रिशूल शोभित है। माँ महागौरी अत्यंत शांत स्वभाव की हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। महागौरी कैलाश निवासिनी नारी शक्ति करू, ऐश्वर्य सौंदर्य की देवी, मुख पे है तेज सधू। चारों भुजाएं ऐसी लागे शक्ति का हो मुँह। डमरू अभय मुद्रा वर मुद्रा एक हाथ त्रिशूल। शीतल मन अति शांत स्वभाव से करुणा भाव है आता। तभी तो माँ महागौरी को वरदायिनी माँ कहलाता।
करके पूजा पाठ सब मनोकामना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ इतनी दयालु है कि माँ महागौरी एक बार तप कर रही थी और एक भूखा सिंह आ गया। माँ तब तप में लीन थी, यह देखकर सिंह वहीं बैठ गया। वो तब तक इंतजार करता रहा जब तक माँ तप में लीन रही। इस तरह वर्षों बीत गए, सिंह बड़ा ही निर्बल हो गया। पर अचानक माँ जब तप से बाहर आई, उनका ध्यान सिंह पर पड़ा। माँ ने उसकी सारी बातें सुनी और उन्होंने कहा, तुमने भी तो इंतजार ही कर तप ही किया है, अतः हम तुम्हें अपना वाहन बनाते हैं। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। बस सिंह को महागौरी ने उस दिन से वाहन बना लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। करुणा तो बस दूर से छलके माँ इतनी है दयालु, भूखे शेर की मनसा जान कर वाहन बनाई कृपालु। मेरी शरण में जो भी आता जाए न वो खाली, अजब दया है माँ के आंचल में, माँ तो बड़ी कृपाली। चर्चा जगत में ये भी आता कहत सुनत नर नारी, कहीं सिंह तो कहीं बैल का गौरी करती सवारी। हम सिंह वाहिनी माता की कृपा दर्शाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, महागौरी की उत्पत्ति क्यों की गई, आइए मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है, महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का भक्त था। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मदेव ने उसे ये वरदान दिया था कि उसे कोई भी देवता दानव त्रास्त नहीं कर सकता। तब वो अपने मद में चूर होकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर डाला, जिससे उसे स्वर्ग पर विजय प्राप्त हुई। यहाँ तक कि इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवताओं ने युद्ध किया, पर कोई उसे हरा ना पाया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। महिषा का आतंक देख ब्रह्मदेव से पावर दान, कोई न जीत पाएगा तुमसे दानव देव इंसान। पाकर शक्ति महिषासुर का ऐसा फैला आतंक, स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर दिया देव को कलंक। देव लोग मिलकर महिषा पर किया तेज प्रहार, महिषासुर से हार गए सब, बढ़ता गया अत्याचार। आगे की भी क्या रोचकता हम समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यही नहीं, मैं
महिषासुर ने तो स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, जिससे देवताओं को धरती पर विचरण करना पड़ा। सभी देवतागण उदास रहने लगे। कष्ट की प्रकाष्ठा पार उतर रही थी। तभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर माँ महागौरी का ध्यान किया और कहा कि इस विपदा से अब आप ही बचा सकती हो। हे देवी, देवों और धर्म स्थापना के लिए अब आपको यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब देवताओं को और इस स्वर्ग लोग को आप ही बचा सकती हो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। भई दशा सब देव लोगों की निर्बल और जस दी, धरती पर सब विचरण करते स्वर्ग गया था छी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर जुटाया ज्ञान, महागौरी तब प्रकट हुई जब माँ का लगाया ध्यान। देख के माँ ने देव लोगों का कारण लिया है पूर, महिषा का संहार करने मान किया था कूर। शक्ति के इस रूप को देख कर काल डर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तब क्या हुआ ये तो सुन लो। भगवान शिव ने उस शक्ति को त्रिशूल दिए, विष्णु अपना चक्र, ब्रह्मदेव ने कवच और इंद्रदेव ने अपना वज्र दिया, सूर्यदेव ने अपना तेज। इस तरह सभी देवताओं ने माँ महागौरी आदि शक्ति को अपना कुछ ना कुछ दिया, जिससे माँ अति बलशाली और शक्तिशाली बन गई, जिसे कोई हरा नहीं सकता। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। त्रिशूल शिव चक्र विष्णु का, तेज सूर्य की गर्मी से, हाथ वज्र देव इंद्र कपा कर लड़ने चली माँ धरनी से। क्रोधित रूप का ऐसा तांडव आग भी तेज से जल जाए, सिंह सवारी तेज गर्जना लोहा विफल में पिघल जाए। अति पापी अधर्मी महिषा की समय चक्र ही बदल गया, आ रही माँ वध करने ये महिषा को पता चल गया। तेज को देख कर राक्षस गण कैसे थर्राते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। फिर क्या हुआ, माँ ने रौद्र रूप धारण कर स्वर्ग पर चढ़ाई कर डाला, जहाँ महिषासुर का आतंक था। चारों दिशाओं में तेज गर्जना, शोर कोलाहल और चित्कार मच गया। सभी देवता लोग भी अपनी हाथों से प्रणाम कर उस आदि शक्ति के इस रूप को प्रणाम करने लगे और उस पापी महिषासुर की अंत की कामना करने लगे। मगर महिषासुर भी अति बलशाली था और छली भी था, कभी राक्षस तो कभी भैंसे का रूप धारण करने लगा। चारों तरफ खून की छींटे और बस नर मुंडे ही दिखाई देने लगा।
तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। महिषा भी तो अति बलशाली छली, बड़ा हठिलाया। कभी माया से राक्षस बनता, कभी भैंसा का रूप कठिलाया। पर धर्म की देवी महागौरी का न कोई सानी था। छप छप तेगा मुंड को काटे, बहा खून जस पानी था। तेज कटार के वार से माने ऐसा किया कृदंत। पापी महिष के प्राण उड़ाए, हुआ पाप का अंत। तीनों लोक में महागौरी की जयकारा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तभी तो त्योहार के रूप में हम असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाते हैं। सभी नर नारी मिलकर माँ आदि शक्ति महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। माँ महागौरी को सफेद फूल बेहद पसंद है। माँ को भक्तजन सफेद फूल चढ़ाकर उनका गुणगान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। आया समय तब जग में माँ का होने लगा जयकारा। महिषासुर के पाप से माने दुनिया को था उबारा। तभी तो शक्ति रूप की पूजा देव लोग भी गाते हैं। मादि शक्ति महागौरी माँ की कथा सुनाते हैं। जग जननी माति बलशाली धर्म धरोहर माता। जब कभी विपदा आए जग में दुर्गा नाम गोहराता। शिव हरि फौजी के मुख से सुन सब लोग मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दुर्गा के आठ में रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ दुर्गा के आठ में रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम महागौरी माँ तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम महागौरी माँ तुम्हें प्रणाम। भक्तों, क्या तुम्हें पता है कि महागौरी माँ कौन है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। महागौरी माँ दुर्गा माँ के आठवें रूप को कहा जाता है। महागौरी माँ के बारे में कहा जाता है कि उनका वर्ण अति गोरा होने के कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। एक बार की बात है, भगवान शिव ने कोई बात माता पार्वती को कह डाला, जिससे वह वहाँ से उठकर चली गई और तपस्या करने लगी। बहुत दिन बीत गए, तब भगवान शिव ने जाकर देखा कि
वो तो तपस्या में लीन हो गई हैं और उनका रंग भी काला हो गया है। तभी भगवान शिव ने उन पर गंगा जल डाला जिससे उनका रंग अति गोरा और विद्युत के समान अति चमत्कारी हो गया। उनका वर्ण गोरा होने के कारण ही उन्हें महागौरी कहा गया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। तप में लीन हो माँ पार्वती, रंग हुआ था काला। अति प्रसन्न हो शिव ने उन पर गंगा जल को डाला। आठ में रूप का वेद में वर्णन हर समय यह आती। तब माँ का रंग विद्युत सचमका महागौरी कहलाती। अति मन भावन तेज है रूप में हजार सूर्य सरंग। उस माँ का क्या वर्णन करना शिव जिनके हैं संग। हम ममतामयी माँ की चरणों में शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महागौरी नारी शक्ति, ऐश्वर्य और संदर्भ की प्रतीक हैं। उनका निवास स्थान कैलाश है। उनका वर्ण पूर्णतः गोरा है। उनकी गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कंद के फूल से भी दी जाती है। जो अति सुंदर और आकर्षक होते हैं, माँ महागौरी की चार भुजाएं हैं। उनका वाहन ऋषभ है। माँ महागौरी की हाथों में डमरू, वर मुद्रा, अभय मुद्रा और त्रिशूल शोभित है। माँ महागौरी अत्यंत शांत स्वभाव की हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। महागौरी कैलाश निवासिनी नारी शक्ति करूं, ऐश्वर्य सौंदर्य की देवी मुख पे है तेज सधू। चारों भुजाएं ऐसी लागे शक्ति का हो मुँह। डमरू अभय मुद्रा वर मुद्रा एक हाथ त्रिशूल। शीतल मन अति शांत स्वभाव से करुणा भाव है आता। तभी तो माँ महागौरी को वरदायिनी माँ कहलाता। करके पूजा पाठ सब मनोकामना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ इतनी दयालु है कि माँ महागौरी एक बार तप कर रही थी और एक भूखा सिंह आ गया। माँ तब तप में लीन थी। यह देखकर सिंह वहीं बैठ गया। वो तब तक इंतजार करता रहा जब तक माँ तप में लीन रही। इस तरह वर्षों बीत गए। सिंह बड़ा ही निर्बल हो गया। पर अचानक माँ जब तप से बाहर आई, उनका ध्यान सिंह पर पड़ा। माँ ने उसकी सारी बातें सुनी और उन्होंने कहा, तुमने भी तो इंतजार ही कर तप ही किया है, अतः हम तुम्हें अपना वाहन बनाते हैं। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। बस सिंह को महागौरी ने उस दिन से वाहन बना लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय।
से छलके माँ इतनी है दयालु, भूखे शेर की मनसा जान कर वाहन बनाई कृपालु। मेरी शरण में जो भी आता जाए न वो खाली, अजब दया है माँ के आंचल में, माँ तो बड़ी कृपाली। चर्चा जगत में ये भी आता कहत सुनत नर नारी, कहीं सिंह तो कहीं बैल का गौरी करती सवारी। हम सिंह वाहिनी माता की कृपा दर्शाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महागौरी की उत्पत्ति क्यों की गई, आइए मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है, महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का भक्त था। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मदेव ने उसे ये वरदान दिया था कि उसे कोई भी देवता दानव रास्त नहीं कर सकता। तब वो अपने मद में चूर होकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर डाला, जिससे उसे स्वर्ग पर विजय प्राप्त हुई। यहाँ तक कि इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवताओं ने युद्ध किया, पर कोई उसे हरा ना पाया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। महिषा का आतंक देख ब्रह्मदेव से पावरदान, कोई न जीत पाएगा तुमसे दानव देव इंसान। पाकर शक्ति महिषासुर का ऐसा फैला आतंक, स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर दिया देव को कलंक। देव लोग मिलकर महिषा पर किया तेज प्रहार, महिषासुर से हार गए सब, बढ़ता गया अत्याचार। आगे की भी क्या रोचकता हम समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ही नहीं, महिषासुर ने तो स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, जिससे देवताओं को धरती पर विचरण करना पड़ा। सभी देवतागण उदास रहने लगे, कष्ट की प्रकाष्ठा पार उतर रही थी। तभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर माँ महागौरी का ध्यान किया और कहा कि इस विपदा से अब आप ही बचा सकती हो। हे देवी, देवों और धर्म स्थापना के लिए अब आपको यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब देवताओं को और इस स्वर्ग लोग को आप ही बचा सकती हो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। दशा सब देव लोगों की निर्बल और जस दी, धरती पर सब विचरण करते स्वर्ग गया था छी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर जुटाया ज्ञान, महागौरी तब प्रकट हुई जब माँ का लगाया ध्यान। देख के माँ ने देव लोगों का कारण लिया है पूर, महिषा का संहार करने मान किया था कूप। शक्ति के इस रूप को देख कर काल डर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं,
महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तब क्या हुआ ये तो सुन लो, भगवान शिव ने उस शक्ति को त्रिशूल दिए, विष्णु अपना चक्र, ब्रह्मदेव ने कवच और इंद्रदेव ने अपना वज्र दिया, सूर्य देव ने अपना तेज। इस तरह सभी देवताओं ने माँ महागौरी आदि शक्ति को अपना कुछ ना कुछ दिया, जिससे माँ अति बलशाली और शक्तिशाली बन गई, जिसे कोई हरा नहीं सकता। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। त्रिशूल शिव चक्र विष्णु का, तेज सूर्य की गर्मी से, हाथ वज्र देव इंद्र कपा कर लड़ने चली माँ धरनी से। क्रोधित रूप का ऐसा तांडव, आग भी तेज से जल जाए, सिंह सवारी तेज गर्जना, लोहा भी पल में पिघल जाए। अति पापी अधर्मी महिषा की समय चक्र ही बदल गया, आ रही माँ वध करने, ये महिषा को पता चल गया। तेजी को देख कर राक्षस गण कैसे थर्राते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। फिर क्या हुआ, माँ ने रौद्र रूप धारण कर स्वर्ग पर चढ़ाई कर डाला, जहाँ महिषासुर का आतंक था। चारों दिशाओं में तेज गर्जना, शोर कोलाहल और चित्कार मच गया। सभी देवता लोग भी अपनी हाथों से प्रणाम कर उस आदि शक्ति के इस रूप को प्रणाम करने लगे और उस पापी महिषासुर की अंत की कामना करने लगे। मगर महिषासुर भी अति बलशाली था और छली भी था, कभी राक्षस तो कभी भैंसे का रूप धारण करने लगा। चारों तरफ खून की छींटें और बस नर मुंडे ही दिखाई देने लगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। महिषा भी तो अति बलशाली छली, बड़ा हठिलाया, कभी माया से राक्षस बनता, कभी भैंसा का रूप कठिलाया। पर धर्म की देवी महागौरी का न कोई सानी था, छप छप तेगा मुंड को काटे, बहा खून जस पानी था। तेज कटार के वार से माने ऐसा किया कृरंत, पापी महिष के प्राण उड़ाए, हुआ पाप का अंत। तीनों लोक में महागौरी की जयकारा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, महागौरी माँ तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, महागौरी माँ तुम्हें प्रणाम। भक्तों, तभी तो त्योहार के रूप में हम असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाते हैं। सभी नर नारी मिलकर माँ आदि शक्ति महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, माँ महागौरी को सफेद फूल,
बेहद पसंद है। माँ को भक्तजन सफेद फूल चढ़ाकर उनका गुणगान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। आया समय तब जग में माँ का होने लगा जयकारा। महिषासुर के पाप से माने दुनिया को था उबारा। तभी तो शक्ति रूप की पूजा देव लोग भी गाते हैं। माँ शक्ति महागौरी माँ की कथा सुनाते हैं। जग जननी माँ बलशाली धर्म धरोहर माता। जब कभी विपदा आए जग में दुर्गा नाम गोहराता। शिव हरि फौजी के मुख से सुन सब लोग मुस्काते हैं। पावन कथा सुनाते हैं महागौरी माँ जग जननी की महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं लीला।
ऋषि मुनि नर शिव जी।